देखो भाई, बहुत चिलचिलाती की धूप है, आप सभी को बहुत ही ज्यादा अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ तो लेने का देनी हो जाएगा, और फालतू मेडिकल में पैसा लगाना कहीं ना कहीं वो मुझे लाजमी नहीं लगता है। और आप वो पैसा अपने ऊपर लगाओ, और बहुत आसान तरीका है, आप भरपेट पानी पियो और ये ध्यान दो कि बेसिकली धूप में नहीं जाना है। क्योंकि आज मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहा था, शायद 47-45, अगर मोबाइल की रेटिंग 45 है तो अपने आप में बाहर जाने का कोई नहीं है सिचुएशन। और आपके घर में जो भी बड़े लोग हैं, ठीक है, जो आपके गार्जियंस हैं, जो काफी एजेड है, 50-60-40 की अवस्था है, ठीक है, आपके दादा दादी हैं, ऐसे लोगों का ख्याल जरूर करें, समय समय पर उन्हें पानी जरूर पूछें, ठीक है, उनके बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज, हम लोग यंग हैं, ये काम हम लोग कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं, घर का पैसा बचाओ और सबको स्वस्थ रखो। तो नमस्कार, हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक ये नहीं है कि कैसे अपने पेट भर पानी पीना है, टॉपिक ये है कि बीएचयू में जो भी कॉलेजेस इससे जुड़े हुए हैं, चाहे इंटीग्रेटेड हो, चाहे इसके पार्ट्स हो, एफिलेटेड कॉलेज का नाम सुना ही होगा, तो बेसिकली यहाँ पे इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते रहते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर किए हुए हैं एडमिशन के बाद। सर आप कुछ, मुझे ऐसे भी सेंटेंसेस को सुनने को मिल जाते हैं, सर आपने मुझे गलत जगह रिकमेंड कर दिया। कुछ मुझे ऐसे भी कमेंट में मिले, अब कुछ मुझे ऐसे ही मिलते हैं कि सर आपकी वजह से ही मेरा एडमिशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही ट्रूली ऑनेस्टी के साथ ये बातें लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो ये वीडियो मास्टर वीडियो है, इस वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ए टू जेड चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, फैसिलिटीज भी, सेफ्टी सिक्योरिटी भी, और एजुकेशन, जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो यहाँ का स्टडी इन्वायरमेंट है बेसिकली, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग में लाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दो, मेरा इंस्टा आईडी है निर्दर्शन, आप वहां फॉलो करके अपने कमेंट्स पूछ सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काउंसलिंग वाला नंबर है, घर बैठे आप काउंसलिंग करा सकते हो। आपको बीएचयू के आजू बाजू में हॉस्टल चाहिए, वहां पे और लिंक है, हॉस्टल वाला आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। मतलब अप्रोक्स बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो बहुत कम पैसे में या फ्री में। यूजी और पीजी दोनों लोगों के लिए वीडियो है, ठीक है, ज्यादा समय नहीं खाऊंगा आपका, स्टार्ट करते हैं। बीएचयू ये भारत के उत्तर प्रदेश के काशी नगरी में स्थित है, गंगा के किनारे स्थित है, और ये गंगा किनारे का लेफ्ट साइड स्थित है, बहुत ज्यादा फेमस है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, मतलब आवासीय विश्वविद्यालय, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चा जो है वो आवास यानी हॉस्टल लेके रहता है, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन यहाँ पे ना एक स्टार्टिंग में आपसे एक पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं, हॉस्टल का मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, जैसे 100 बच्चे एडमिशन लिए, तो इस 100 में ये लोग मोटी मोटा 30% लोगों को हॉस्टल प्रोवाइड कराते हैं, 30% लोगों को। ये ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लो ना कि ये सबको हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन 30% भी देने के बाद ये आज एशिया का हाईएस्ट एकोमोडेशन वाला हॉस्टल वाला रेडेंस वाला यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं जो आज का टॉपिक है। बेसिकली बीएचयू जो है वो डिवाइडेड है 4 पार्ट में, जो मैंने अपने हिसाब से ड्रॉ किया हुआ है। ये वो डिवीजन नहीं है कि बीएचयू के बीच में एक बाउंड्री खड़ा कर दो, ये डिवीजन है ऑन पेपर बाय द रूल्स एंड लॉजिक के बेसिस पे, और ये इसलिए बनाया गया जिससे कि काम स्मूथली हो सके और जो बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच, मतलब रीच बढ़ाने के लिए। तो शैक्षणिक पर्पज है, वो मेंटेलिटी नहीं है जो अभी कुछ दिन पहले बीएचयू और आईआईटी के बीच में बाउंड्री वाली बात थी, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड कॉलेज है, जो एमएमबी की लड़कियां थोड़ा गुस्सा हो जाती है अगर इन्हें भूल से बोल दिया जाए कि ये आप एफिलेटेड में पढ़ रहे हो, क्योंकि एफिलेटेड की पढ़ने की जो मेंटेलिटी है ना लोगों के माइंड में ये भी है कि हम लोग के मार्क्स शायद कम है इसलिए हम एफिलेटेड में पढ़ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपका ये डाउट भी क्लियर कर दूंगा कि एफिलेटेड में कब क्यों पढ़ना चाहिए। तो एमएमबी ओनली वन कॉलेज है जो कि इंटीग्रेटेड में आता है, ये एफिलेटेड नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस में कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं कि बीएचयू का एफिलेटेड कॉलेज, एफिलेट मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ, मेरे से जुड़ा हुआ एफिलेट ही तो बोलेंगे, तो उसके लिए आप एफिलेट वर्ड यूज कर सकते हो। लेकिन एक पेपर ऑफिशियल वर्ड जो यूज किया जाता है वो इंटीग्रेटेड कॉलेज है, ठीक है। पार्ट्स, आरडीएससी जो इसका राजीव गांधी साउथ कैंपस है, ये इसका पार्ट है जो कि लगभग बनारस से, पार्ट्स इसलिए बोला जाता है ना क्योंकि ये सेम फैसिलिटी के साथ बीएचयू का दूसरा पार्ट है, बीएचयू के दो पार्ट, बीएचयू मेन कैंपस और इसका एक पार्ट है जो कि बीएचयू के मेन कैंपस से बड़ा है आरआरजीएससी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत रूरल एरिया होने की वजह से, पूरा हिल्स एरिया है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को बेसिकली मिल गई। तो आज तो नहीं लेकिन आने वाले समय में हो सकता है आरआरजीएससी और बढ़िया एडवर्टाइज हो जाए, इवन सब लोग आरआरजीएससी पढ़ना चाहे ऐसा भी हो सकता है। बाकी मेन कैंपस तो जानते ही हो, जो मेन गेट है हम लोग का वो है,
एफिलेट कॉलेज जिसमें चार कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, ये एफिलेट कॉलेज है जिसमें ईएमपीजी, डीएवी, बीसीडब्ल्यू और बीकेएम, ये चार कॉलेजेस आते हैं। आइए हम लोग अब खास इनका बेसिक इंट्रोडक्शन जान जाते हैं। अच्छा, इन चारों के अलावा भी हम लोग अगर कभी आईआईटी का, ठीक है, और आईएमएस की बात अगर कर ले तो ये भी बीएचयू के एफिलेट में ही आएंगे, क्योंकि बीएचयू से जुड़ा हुआ है, बीएचयू का ही ऐसा पूरा एक भाग है, तो आप इसको भी जोड़ सकते हो। लेकिन हम लोग आज बेसिकली सीयूटी के लिए बना रहे हैं वीडियो, तो हम लोग इन कॉलेजेस का ही एडमिशन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आईआईटी और आईएमएस नहीं है, वो तो बीएचयू के मेन कैंपस में ही है। जैसे आर महिला पीजी कॉलेज, ये नई सड़क वाले रोड पे है, जस्ट हथुआ मार्केट के एकदम बगल में। हथुआ मार्केट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दुर्गा पूजा का पंडाल पूरे बनारस में या उत्तर भारत में कभी कभी बहुत बढ़िया आयोजन बनाया जाता है, जस्ट उस बगल में ही ये कॉलेज है और ये 6 से 7 किलोमीटर लगभग पड़ता है आपके मेन कैंपस से। महिला महाविद्यालय 0 किलोमीटर, एमएमबी जिसको बोलते हैं, जीरो कैंपस इसलिए क्योंकि नहीं डबल बाउंड्री में, एक तो बीएचयू के कैंपस के अंदर है और इसकी खुद की भी बाउंड्री है। राजीव गांधी साउथ कैंपस 50 से 60 किलोमीटर बीएचयू से। डीएवी 7 से 8 किलोमीटर, ये 50 से 60 किलोमीटर है, ये 7 से 8 किलोमीटर, ठीक है। बसंत कल जिसको हम लोग शॉर्ट में वीकेएम बोलते हैं, ये लगभग वही सेम है, और वीकेएम सॉरी वीसीडब्ल्यू, ठीक है, ये राजघाट पे है, जो आजकल नमो घाट वाला आपने देखा होगा वीडियो से हाथ जोड़े हुए, तो बस इस कॉलेज के नीचे ही वो घाट बना हुआ है, 10 से 11 किलोमीटर, ठीक है, बीएचयू से। अब आज के वीडियो का मेन मकसद जो है वो पूरा होने जा रहा है, मैं चाहूंगा कि प्लीज आप लोग इस पूरे मकसद को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो बेसिकली एफिलेटेड में जो है जो नहीं है तमाम चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो हम लोग कैंपस की लुकिंग जान लेते हैं कि एफिलेटेड का कैसा होता है और इसके पार्ट्स इंटीग्रेटेड और एफिलेटेड कॉलेज का कैसा होता है, ठीक है, मेन कैंपस का कैसा होता है। कैंपस की लुक जो है वो बेसिकली इन पर्पज से डिसाइड किया गया है, जैसे कि पहली बात तो बहुत बड़ा है कैंपस और कॉलेज, नाम में ही डिफिनेशन है। कैंपस मतलब होता है कि भाई इतना बड़ा प्रांगण है कि लगभग ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल है, कैंपस मतलब उसी बाउंड्री के अंदर सब कुछ है, पूरा एक दुनिया ही बसा हुआ है। लेकिन कॉलेज मतलब ओनली स्टडी पर्पस, जो बेसिक नीड है वो पूरी हो जाए, साइकिल स्टैंड हो, पढ़ने के लिए डिपार्टमेंट फैकल्टी हो, पानी पीने के लिए पानी हो, और मतलब जो बेसिक चीजें होती हैं एक कॉलेज एक स्कूल वाली वो वहां पे रहती है। कैंपस मतलब बहुत बड़ी बाउंड्री के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, बोला ना पूरी दुनिया जैसे। कैंपस में और चीजें जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी देखा जाए तो भाई कैंपस है, अपनी बाउंड्री है, यहाँ पे इसका मेडिकल भी है, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा है, स्ट्रीट लाइट है, इसी में पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, थोड़ा सा सुकून, बाहर के टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर काफी लो हो जाता है 3-4 डिग्री, जैसे बनारस के शहर का टेम्परेचर 45 है तो बीएचयू कैंपस का 40 के आसपास काउंट होगा, 5-6 डिग्री कम ही रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रीज, बहुत अच्छा लगता है। हॉस्टल्स लाइफ, यहाँ पे एफिलेटेड में इस वाले में हॉस्टल्स वगैरह नहीं मिलते हैं, किसी कॉलेज में कॉलेज हॉस्टल्स नहीं अवेलेबल है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, कॉलेज की तरफ से नहीं है, बीएचयू की तरफ से नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला ना 30% हॉस्टल्स मिल जाता है। जिम एंड स्पोर्ट्स अवेलेबल है कहाँ पे, कैंपस में। इधर कुछ कॉलेज अपने लेवल से डीएवी है ना, बहुत बढ़िया जिम बना रखा हुआ है, मान लो स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे साई अथॉरिटी है, आप जानते होंगे, और भी कई सारे फेडरेशन काम करते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स लेवल पे, आप यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल भी खेल सकते हो और कई सारे आप जोन और स्टेट लेवल के गेम्स खेल सकते हो, इवन कई सारे मीटअप होते हैं जो स्पोर्ट्स मीटअप क्लस्टर मीट्स होते हैं यहाँ पे इस वाले कैंपस में। यहाँ पे इंडोर स्टेडियम है पूरा, बॉक्सिंग के पूरे वो जो उनका जो स्टेज होता है वो भी यहाँ पे है, तो पूरे आप अगर गेम में बहुत इंटरेस्टेड हो ना, अपना करियर बनाना चाहते हो तो मस्ट है कि आप इस वाले में आना, मैं सच में बता रहा हूं, अगर आपको स्पोर्ट्स में अपना करियर देख रहे हो और इसी में व्हाटएवर आप सक्सेस हो ना सक्सेस हो लेकिन इसी में अपना सपना बनाना चाहते हो तो एफिलेटेड में पूरा हो ही नहीं सकता, वो इधर ही पूरा होने वाला है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे एथलीट्स में कोई आता हो, कोई भी जो गेम है वो इधर ही बनने वाला है सपना पूरा आपका। एनसीसी एनएसएस एफएमसी में है, यानी इसी कैंपस में है, बीएचयू के मेन कैंपस में है, कुछ कॉलेज अपने यहाँ प्रोवाइड कराते हैं और जो बच्चे इधर एफिलेटेड में पढ़ते हैं ये वाले, ये यहाँ आके कर सकते हैं, ये फैसिलिटी आप यूज कर सकते हो, जैसे स्पोर्ट्स वाला नहीं यूज कर सकते हो लेकिन ये वाला आप यूज कर सकते हो। स्विमिंग, बीएचयू के अंदर एक स्विमिंग भी है, बहुत अच्छा स्विमिंग है, बिगिनर के लिए भी है और एडवांस लेवल भी है, मैंने उसका एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं स्विमिंग ज्वाइन किया था, बड़ा बढ़िया है, मतलब गर्मियों के लिए बेस्ट है वो, जाओ एकदम बढ़िया ज्वाइन कर लो सुबह या शाम वाली मीटिंग में, कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे स्विमिंग में बढ़िया तैरने को मिलता है और ट्रेनिंग भी देते हैं वो लोग। ये फैसिलिटी ओनली कैंपस में, ये इधर नहीं है, और इन सब फैसिलिटीज में स्विमिंग जैसे है ना, इसका पैसा आपको
अपनी तरफ से देना पड़ता है, मतलब बीएचयू फ्री में नहीं देता है, इसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन बाकी चीजें बीएचयू फ्री में दे भी सकता है, डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर उसके लिए क्या प्रोसेस है। स्टडी पर्पज हम लोग जान लेते हैं, दोनों की पढ़ाई मुझे लगती है बेस्ट है। इवन कभी कभी मुझे लगता है एफिलिएटेड के कुछ कॉलेज बहुत अच्छा पढ़ाई कराते हैं, VCW नेट की ग्रेडिंग टॉप पे है उनके, और भी कॉलेजेस में भी नेट ग्रेडिंग उनके यहाँ प्लस में है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज GMI की इक्वल है बीएचयू का एफिलिएटेड कॉलेज जो VCW है, जो राजघाट नमोघाट के पास वाला है। पढ़ाई के मामले में चाहे FMC में पढ़ो चाहे एफिलिएटेड में पढ़ो, दोनों जगह फुलफिल होगा, ये बात तो मैं मानता हूँ। तो पढ़ाई में कोई कॉमेंट अगर करना चाहूं तो वो यही है कि दोनों जगह पढ़ाई के मामले में सही है। अगर बस पढ़ना एक मकसद है तो आप FMC में भी पढ़ो तो भी दिक्कत नहीं है, एफिलेटेड में पढ़ो तो भी दिक्कत नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट के लेवल पे देखा जाए तो कहीं की पढ़ाई ज्यादा अच्छी हो सकती है, आप डिपेंड करता है उस कोर्स की बात, उस सब्जेक्ट की बात। जैसे साइंस के जो कोर्सेज एफिलेटेड में अवेलेबल तो है ही नहीं पहले, तो FMC में चलते हैं, अच्छे चलते हैं। कुछ जैसे हिंदी डिपार्टमेंट FMC वाले लोग प्रीफर करते हैं, बढ़िया चलता है, और हो सकता है कि एफिलेटेड में अच्छा ना चलता हो। तो इस तरीके के कुछ कहीं ना कहीं अफ बट चलता है, लेकिन पढ़ाई के मकसद से दोनों मेरे लिए सेम है। हेल्थ, BHU के मेन कैंपस में तो पूरा सुंदर लाली है, जहां पे अपना कार्ड दिखाओ, स्पेशल एंट्री है, फ्री में ट्रीटमेंट कराओ, मजा मजा है जीवन का। यहाँ पे हेल्थ सेंटर, हम लोग का स्टूडेंट हेल्थ सेंटर भी है, आप आराम से कभी भी बीमार हो तो आपको अंदर ये एनर्जी की कमी हो रही है ना थोड़ा मोटा, तो आप जाके वो सुई लगवा के अपने ग्लूकोन-डी चढ़वा लो फ्री में, कोई पैसा नहीं, 50,000 का फ्री ट्रीटमेंट है यहाँ पे, ऐसा ही है ना, 50,000 का फ्री ट्रीटमेंट है। डिग्री, अच्छा हाँ, ये हेल्थ इतना एफिलेटेड में बस फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं, फर्स्ट ट्रीटमेंट वो मिल सकता है, कहीं गिर गया छिल गया तो थोड़ा मोटा प्लास्टर वास्टर लगा देंगे, ऐसा है, बैंडेज पट्टी हो जाएगा, ऐसा कुछ अगर नहीं होगा तो ये वीडियो अपने प्रोफेसर को शेयर कर देना, भाई कम से कम इतनी सुविधा जरूर दो अपने बच्चों को, और ये होगा मैं मान के चलता हूँ, इतना तो स्कूलों में भी होता है। ठीक है, डिग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्वल टू स्टडी वाला जितना पॉइंट इंपॉर्टेंट था ना उसी डिग्री वाला, क्योंकि बहुत बच्चों के डाउट्स होते हैं ना कि जो डिग्री होती है वो क्या एफिलेटेड के अलग से प्रिंट होती है। यही तो बात है कि बीएचयू की डिग्री पूरे पार्ट्स इंटीग्रेटेड एफिलेट कॉलेजेस के सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम साइज, सेम अल्फाबेट फॉन्ट, सेम सिग्नेचर, सेम क्वालिटी, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की डिग्री एकदम सेम देखी जाती है। तो बच्चे जो डिग्री को लेकर अगर डाउट में है तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद आज आप कभी मत पछताना कि हम एफिलेटेड में पढ़ रहे हैं तो हमारी डिग्री जो है वो लेस कंपेयर किया जाएगा, आपकी डिग्री लेस कंपेयर नहीं किया जा सकता है, एकदम इक्वल होता है। इवन आपका जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो मेन कैंपस में ही होता है, जिसको कन्वोकेशन बोलते, दीक्षांत समारोह बोलते हैं ना, तो दीक्षांत समारोह हम लोग FMC में ही करते हैं, उस बड़े वाले गेट के अंदर ही आके, बीएचयू के अंदर ही आके अपना सेलिब्रेट करते हो, ये डिग्री आपको बीएचयू के अंदर ही आके मिलेगी, बस वहां पे आप पढ़ रहे हो। एग्जाम अभी तक तो एफिलेटेड का मेन कैंपस में ही होता था, लेकिन कुछ बच्चों के भी डाउट्स थे इस तरीके से, इवन आपके जो एफिलेटेड के प्रिंसिपल प्रोफेसर है ना, ये भी अपना एक तरह से उसमें सहयोग दिए, अपना उसमें सहमति जताए थे कि अगर ये अथॉरिटी हमें खुद हो जाएगी तो हमारे बच्चे जैसे बस से उन्हें लाना पड़ता है या बच्चा ऑटो का पैसा दे के आता है, जो भी इनकी फैसिलिटीज रही हो, तो कहीं ना कहीं बच्चा आप 10 किलो, अब VCW के लड़के यहाँ एग्जाम देने आएंगे तो अपने आप एग्जाम वाले दिन ट्रैवल करके आना, फिर ट्रैवल करके जाना, अब सोचो इस गर्मी में बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, अगर आज की डेट में अगर एग्जाम कैंपस में हो रहा होता तो शायद वो लोग बहुत गर्मी में आके सफर करके एग्जाम देते। तो कहीं ना कहीं इसके विरोध भी हुआ था जब ये पहली बार, क्योंकि इसी साल ही एग्जाम वाला जो है ना ये कैंसिल हुआ है कि एफिलेटेड कॉलेज अब एफिलेटेड में ही हो जाएंगे, पहले एग्जाम जो एफिलेटेड का होता था, ये वाला सेमेस्टर एग्जाम एफिलेटेड वाले बच्चों का, ये FMC में ही होता था, बच्चा यहाँ आके एग्जाम देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बस DAV अभी तक थोड़ा सा यही आके बच्चे दे रहे हैं DAV के, ठीक है, लेकिन बाकी कॉलेजेस अपना खुद पेपर, लेकिन सेम होता है, पेपर सेम होता है सबका, पेपर पूरा सेम होता है, ठीक है, पेपर में कोई डाउट नहीं है, सेमेस्टर पेपर जो बनाया जाएगा वो एग्जाम यही कंट्रोल करेगा, कॉपी भी यही से जाती है, बस सेंटर सेल्फ सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हम लोग डिस्कस कर लिए। एक यहां पे और है, लाइब्रेरी एंड योगा, योगा ना जैसे कि बीएचयू में जो योगा है वो हर कोई यूज कर सकता है, बीएचयू में डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज जो आते हैं वो हर कोई, जैसे ऐसा नहीं है कि एथलेटिक की बच्चियां अगर चाहती है योगा करना तो नहीं कर सकती है, आप कर सकते हो, आप स्विमिंग पूल भी ज्वाइन कर सकते हो, एफिलेटेड की बच्चियां अगर स्विमिंग पूल ज्वाइन करना चाहती है तो ऐसा नहीं है, आप उसके लिए प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, यही है कि उतनी दूर से आओगे कैसे, ठीक है। लाइब्रेरी एज अ विजिटर आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन डेली के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है, तो आप नहीं यूज कर सकते हो। योगा आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लैंग्वेज में फॉर्म डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं, आर्ट फैकल्टी में आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब इसके कुछ फायदे देखो, एफिलिएटेड कॉलेज के कुछ फायदे। एक फायदा तो इस कॉलेज में लेने का ये है कि आपको स्कूल लाइक ट्रीटमेंट मिलता है, जो स्कूल वाला ना स्पून फीडिंग वाला मेथड था कि एकदम मतलब हाथ पकड़ के लिखवा देंगे पढ़ा देंगे, मतलब इस लेवल तक नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर बाई नेम बच्चों को जान जाता है, क्योंकि छोटा परिवार खुशी परिवार ऐसा है। एफएमसी में इतना बड़ा है ना, जैसे हम मान लो मैं तो थोड़ा चैनल पे काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में घुलना मिलना है, तो मुझे तो प्रोफेसर थोड़ा जानते भी होंगे, फिर भी मैं थोड़ा वर्ड यूज कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं हजारों की संख्या में बीएचयू में आए पढ़ के चले गए, अपना प्रोफेसर उन्हें जाना ना, वो प्रोफेसर को जाने, क्यों? क्योंकि बड़ा परिवार है, इतने बड़े लोगों में कैसे पहचान बन पाएगी? जो थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर दोगे तो पहचान बनगी, नहीं तो अपना काम किए पढ़ाई लिखाई का अपना निकल लिए चल दिए अपना घर बसा लिए। तो ये स्कूल लाइक ट्रीटमेंट यहाँ मिलता है। एक वीडियो मैंने एफिलिएटेड टॉक बहुत से अपने बच्चों में टॉक किया हूँ, देखो वहाँ के बच्चों का टीचर्स के साथ जो एक रिलेशन है बड़ा बढ़िया है, स्ट्रांग है। इवन कुछ बच्चों का तो डिपार्टमेंट वाला जो पीजी बच्चियां होती हैं वो तो अपने प्रोफेसरों के घर पे आना जाना भी करती हैं, उनके यहाँ पार्टीज वगैरह अटेंड करना, मतलब जो मैंने सुना है, खरे पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ। लेकिन अब 30 बच्चों का ही बैच है तो प्रोफेसर्स के लिए उनके लिए ट्रीट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एजुकेशनल ट्रीट देना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो एक बात हो जाती है, टेबल टॉक हो जाता है ये, और वो प्राउड भी है उनके लिए कहीं ना कहीं। वो बड़ा जब एडमिशन होता है तब आप ट्रीट करोगे, अरे यार मेरा अफिलिएटेड में एडमिशन हो गया, लेकिन एडमिशन के बाद प्राउड फील होता है, मैं VCW की लड़की हूँ, मैं EMPG में पढ़ती हूँ, तो वो प्राउड कहीं ना कहीं आ जाता है फिर, क्योंकि प्रोफेसर्स का रिलेशन स्टूडेंट्स के बीच में बहुत अच्छा है इन एफिलिएटेड कॉलेजेस में। ये सबसे अच्छी चीज है एफिलिएटेड के कॉलेजेस में एज कंपेयर मेन कैंपस। मेन कैंपस में लैक कर जाता है, ठीक है। फीस बहुत हाई होता है यहाँ का, ये इसका क्वालिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आप यहाँ पे 5 से 6 हजार में कोर्स कर लोगे, यहाँ पे साथ 12 से 14 हजार आपको पे करना पड़ सकता है, या उससे भी ज्यादा कुछ कोर्सेज में, तो फी बहुत हाई है, प्लीज फी देख के एडमिशन लेना, ठीक है। स्पेशल फॉर गर्ल्स, एफिलिएटेड कॉलेज जो है वो बेसिकली गर्ल्स के लिए ही बनाया गया है, लड़कियों के लिए ही बनाया गया है, बस DAV जो है वो को एजुकेशन को एडेड है, गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन VCW, AMPG, VKM ये तीनों के तीनों, और MMB महिला महाविद्यालय, उसका नाम ही महिला महाविद्यालय, ठीक है, जबकि मैं कहता हूँ कि पुरुष महाविद्यालय भी होना चाहिए था स्पेशल लड़कों के लिए, लेकिन ठीक है, लड़कियों के लिए बहुत फैसिलिटीज रहता है भाई, बहुत फैसिलिटी रहता है। देखो यहाँ पे लड़कियों के लिए कितना फैसिलिटी है, कहाँ मेन कैंपस में लड़का लड़की पढ़ता ही है, अब इनके लिए अलग से 3 एफिलिएटेड कॉलेज है ओनली फॉर गर्ल्स, DAV में लड़कियां हैं, लड़कों के बारे में कुछ सोचना चाहिए सोसाइटी को, तो एक ऐसा बनना चाहिए विश्वविद्यालय महाविद्यालय, ऐसा बनना चाहिए पुरुष महाविद्यालय बनना चाहिए, ठीक है, कमेंट करके बताना कि पुरुषों के लिए भी समाज सोचेगा कि नहीं। तो ये तमाम चीजें जो मैं आपसे डिस्कस किया ना, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो कमेंट करना, मैं उसमें आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। अब एक लास्ट में जो मेरे को लोग डायरेक्टली पूछेंगे ना कि सर ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि एडमिशन लो कि नहीं, एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, किस में एफिलिएटेड कॉलेजेस में। देखो एक छोटी सी स्टोरी है, जब मैं ऑफलाइन काउंसलिंग में लोगों की हेल्प करता था, अभी तो ऑनलाइन काउंसलिंग हो गया ना, एक समय था कि हम लोग हेल्प डेस्क लगाते थे, हम लोग ऐसे आईडी लटका के बच्चों का हैंड टू हैंड हेल्प किया करते थे ग्राउंड लेवल पे, ऐसे आर्ट्स फैकल्टी में या सोशल फैकल्टी में चल रहा है काउंसलिंग या इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में चल रहा था, हम लोग जाके लोगों की हेल्प करते थे, पूरा टीम होता था 10-12 लोगों का, हम लोग वॉलंटियर हायर कर लेते थे, ऐसा होता था, बड़ा मजा आता वो काउंसलिंग सीजन, पूरा एक महीना हम लोग खूब बेजोड़ मेहनत करते थे उसमें। तो एक बार ना एक बच्ची थी, वो उसका नाम नहीं पता, बहुत साल हो गए, 3 साल हो गया 4 साल हो गया लगभग, कोविड के आसपास की बात है या कोविड के जस्ट बाद की पहले की बात है, क्योंकि उसके बाद से ही तो ऑनलाइन हुआ, हाइब्रिड मोड में हो गया, बीच में हाइब्रिड मोड हुआ था फिर से बस ऑनलाइन हो गया, उसमें ऑफलाइन हुआ करता था, ऑनलाइन का सुविधा नहीं था। तो वो मुसलमान थी, बुरखा पहनी हुई थी, इतना मुझे पता है। तो वो लड़की जब मैं काउंसलिंग में सबका चेक कर रहा था कि क्या क्या है, तो उसका मैंने नंबर उसमें देखा था सर 230-240 के आसपास था, और उस समय 230 पे BHUB में टॉप कॉलेज मिल सकता, मतलब FMC ले लो, अच्छे सब्जेक्ट ले लो सब कुछ, फिर भी उसका प्रेफरेंस में ऊपर ही लिखा हुआ था AMPC। तो मैं बोला कि भाई तुम्हारा इतना अच्छा नंबर है, तुम्हें तो BHUB मेन कैंपस मिल जाएगा, तुमने क्यों प्रेफरेंस में AMPG लिख रखा है? नहीं सर मुझे AMPG में ही पढ़ना है। मैं लॉजिक अब उस भीड़ भाड़ में कैसे उससे पूछता कि क्या लॉजिक है? तो
मैं खुद से दिमाग में बैठा लिया कि कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो शायद उसको लगा होगा कि नहीं मुझे गर्ल्स स्पेशल कॉलेज में पढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं शायद फैमिली में भी बोला गया होगा कि चलो तुम गर्ल्स वाले में पढ़ लेना, या जो उसके मेंटल थॉट रहे हो। तो अपना एक थॉट सा प्रोसेस है, ठीक है, हो सकता है बेस्ट एग्जांपल ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप ये भी जज करोगे कि लड़कियों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है एजुकेशन में। लेकिन मैं तो कहूंगा लड़कियां स्वतंत्र है, कहीं भी पढ़े। एफएमसी में सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी कुछ केसेस मिलते हैं, लेकिन आप अपने जहाँ पे ये कमी है, खैर मैं स्पेशल कभी टॉक कर लूंगा कि लड़कियों को कैसे सेफ रहना है, और लड़कियां बेहतर जानती हैं, तो मैं टॉपिक डाइवर्ट नहीं करना चाहता। बेसिकली बस यही कहना चाहूंगा कि अगर मैं खुद होता तो अगर मुझे एफिलेटेड में एडमिशन मिल रहा है तो मैं एफिलेटेड में ले लेता, लेकिन एफएमसी को छोड़ कर ही जाता हूं वहां पे। खैर कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि आप बनारस के ही हो, आपकी लोकेलिटी डीएवी के आसपास है, राजगढ़ के पास आपका घर है, एएमपीजी के पास में आपका घर है, तो आप उन्हीं जगह पढ़ लो भाई, आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह बच जाएगा। वैसे बनारस के लोगों को तो हॉस्टल मिलता नहीं है, तो ये चीजें एक कारण हो सकती है। और बाकी कुछ लड़कियों की च्वाइसेस होती हो कि नहीं हम लड़की वाले ही कॉलेज में पढ़ेंगे तो वो लड़कियां वहां जा सकती हैं, कुछ लड़कियों की च्वाइसेस ये हो सकता है स्कूल फिटिंग लाइक एजुकेशन तो आप वहां जा सकते हो, लेकिन बाकी ये 1-2% पे होता है कि किसी को एफएमसी मिल रहा हो और वो एफिलेटेड में चला जाता हो। तो ओवरऑल बच्चों के जो डाउट ये है कि एफएमसी में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि एडमिशन अगर मिल रहा है तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज कर लोगे, क्योंकि बीएससी से ही जुड़ा हुआ है, डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिग्री वही है, तो कहीं भी आपको ये क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा सोसाइटी में, कभी आपको एक कमेंट नहीं पास किया जाएगा कि आप बीएचयू, अरे आप तो बीएचयू के हो ही नहीं, आप बीएचयू के ही रहोगे, प्राउड उतना ही है, ठीक है। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट करके जरूर पूछेगा, ठीक है, और मुस्कुराते रहेगा, भरपेट पानी पीते रहेगा। देखो मेरा नाम नीर है, मैं आपको ये मैसेज जरूर दूंगा कि पानी पीते रहेगा, ठीक है, हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं।